आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। आइए आज बताते हैं आईएनएस विक्रांत की ताकत। समुद्र का सुरमा आईएनएस विक्रांत, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, चीन को सीधी चुनौती, भारत ने समुद्र में उतार दिया बाहुबली। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, आईएनएस विक्रांत के रूप में भारत को समुद्र का नया सुरमा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भारतीय नौसेना के उस बहादुर योद्धा के नाम पर रखा गया है जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। उसका भी नाम था विक्रांत, लेकिन नया विक्रांत कई मायनों में ज़्यादा ताकतवर है। भारत अब अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस और चीन समेत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमता है। हिंदुस्तान के इस नए महारथी के आगे पाकिस्तान और चीन कहाँ खड़े हैं, नज़र डालते हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक योद्धपुत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं देवगंत है, समुद्र और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर विक्रांत है। पाकिस्तान की बढ़ गई है होगी धुकधुकी। 2 साल पहले जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक राफेल ने लैंडिंग की थी तो पड़ोसी पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। उसने चीन से फाइटर जेट मांगना भी शुरू कर दिया था। बहरहाल आईएनएस विक्रांत को देखते देख चीन भी सतर्क हो गया होगा। अब उसकी दादागिरी के दिन जाने वाले हैं जब हिंद महासागर में भारत का बादशाहत उतर रहा हो तो दोनों पड़ोसी देशों की धुकधुकी बढ़ना लाजमी है। समुद्र के इस हिस्से पर चीन की नजर रहती है। दशकों पहले एक अमेरिकी जनरल ने कह दिया था कि हिंद महासागर पर दबदबे से ही 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य तय होगा। ऐसे में दुनिया के देशों में होड़ बढ़ी दिखती है। चीन को रोकने के लिए भारत का यह सिकंदर काफी असरदार साबित होने वाला है। यह पोत समुद्र में जहां मौजूद होगा उसके आसपास करीब 1500 मील के इलाके तक उसकी नज़र होगी। दुश्मन यहां कोई हरकत करके बच नहीं सकता। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा यह जहाज 28 समुद्री मील से लेकर 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह जंबो जहाज 30-30 टन के 30 प्लेन लेकर चल सकता है। इस जहाज को तैरता शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पोत पर 1700 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स की क्षमता है जिसमें महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल केबिन भी शामिल है। इस आईएनएस विक्रांत का खासियत है। टाटा एंड एनटी बेल हॉल समेत कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर देश के लिए विशाल का योद्ध तैयार किया है। 40,000 टन वजन वाले विमान वाहक जहाज का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। नौसेना के इस बाहुबली से MiG-29 और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इस जंगी जहाज से कमो 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। भारत नौसेना के इस सुरमा को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है। भारत और चीन की नौसेना की तुलना हो सकती है लेकिन भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता। उसके पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। चीन के 2 कैरियर पहले से है। इस साल जून में उसने अपना आधुनिक फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था। फुजियान 80,000 टन से ज़्यादा वजनी है जो विक्रांत का करीब 2 गुना है। हालांकि अभी यह चीन के बेड़े में शामिल नहीं है। सिर्फ उद्घाटन ही नहीं, दुनिया को संदेश भी है आईएनएस विक्रांत। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आते ही चीन समुद्र में अपने विस्तारवादी सोच के तहत नजरे गड़ाना चाहेगा, लेकिन आईएनएस विक्रांत को समुद्र में उतार कर भारत ने दुनिया को आगाह कर दिया है कि कोई भी हिंद महासागर पर बुरी नज़र न डाले। दरअसल एशिया, यूरोप, अमेरिका को जोड़ने वाले हिंद महासागर से होकर ही दुनिया का 75% से ज़्यादा समुद्री व्यापार और आधे से अधिक खनिज तेल व्यापार होता है। यही वजह है कि चीन श्रीलंका जैसे देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। आइए नज़र डालते हैं, अब जब सुपर पावर की बात हो तो भारत और चीन की बात चली हो तो अमेरिका की ताकत भी समझ लेनी चाहिए। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत और संख्या के मामले में टॉपर है। हाल ही में अमेरिकी नेवी ने यूएस गेराल्ड आर फोर्स शामिल किया गया है। यह 1,12,000 टन वजनी दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 4500 क्रू मेंबर्स की क्षमता वाले इस अमेरिकी पोत की क्षमता आईएनएस विक्रांत से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका के इस पोत पर लॉकडी मार्टिन F-35 सुपर हर्नेस फाइटर जेट समेत 75 एयरक्राफ्ट है।
लेकिन आईएनएस विक्रांत का जो खासियत है वो भारत और एशिया के लिए एक संदेश है। भारत ने ये दुनिया को संदेश दिया है कि अब हिंद महासागर पर बुरी नज़र न डाले। विक्रांत वो किस्सा साल 1971 जब पाक शिकारी गाज खुद शिकार हो गया था। मैं आपको बता दूं कि देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को पीएम नरेंद्र मोदी ने नेवी को सौंप दिया है। 1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया और उसके 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत को पुनर्जन्म हुआ है। आईएनएस विक्रांत का नाम नहीं बदला गया है और भारतीय नौसेना ने पहले के पोत विक्रांत के नाम पर ही इसका नाम रखा है। नए आईएनएस विक्रांत की ताकत अधिक है, लेकिन पुराने आईएनएस की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत को लेकर पाकिस्तान काफ़ी टेंशन में था। यही कारण था कि पाकिस्तान ने इसे ख़त्म करने की प्लानिंग की और अपने पनडुब्बी पीएनएस गाजी के जरिए इसे अंजाम देना चाहता था। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारत की एक चाल के आगे वो मात खा गया। भारत का समुद्री इतिहास काफ़ी समृद्ध है और गौरव से भरा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को किया। भारतीय नौसेना के जहाज़ों के योगदान को जब भी याद किया जाएगा उसमें एक नाम आईएनएस विक्रांत का जरूर आएगा। 1961 में इसे आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया और बाद में इसका नाम बदलकर विक्रांत कर दिया गया। विक्रांत का मतलब होता है बहादुर, साहसी, विजयी। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान इसको ख़त्म करना चाहता था। आईएनएस विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वह किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहता था। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पनडुब्बी पीएनएस गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। युद्ध के 20 साल बाद प्रकाशित किताब द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी ने इस बात का जिक्र की है कि कैसे 1971 में गाजी को बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया और आईएनएस विक्रांत को तबाही करने की जिम्मेदारी उसे दी गई। पाकिस्तान के पास गाजी एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें समुद्री एरिया में जाकर टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता थी। पाकिस्तान को भी यह पता था कि यदि वे विक्रांत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो भारत पर युद्ध में बढ़त बना लेगा। 8 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी के कप्तान के पास यह मैसेज पहुंचता है कि आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रीड एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वार में लिखा गया है कि मुंबई से एक पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडलर्स आईएनएस विक्रांत की जानकारी दी है। 8 नवंबर 1971 को जब भारतीय नौसेना की ओर से ढाका और कराची के बीच जाने वाले संदेश को सुनने की कोशिश की गई और अचानक उस दिन की कई मैसेज जा रहे थे, भारत को इसका आभास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बात पूरी तरह डिकोड नहीं हो पा रही थी कि आखिरी पाकिस्तान की चाल क्या है। 10 नवंबर को वो कोड डिकोड हो गया, वहीं पहली बार यह पता चल गया कि पाकिस्तानी नौसेना जैसे भारतीय पोत आईएनएस विक्रांत को डुबो देना चाहता है। भारत को जब यह पता चल गया तो उसकी ओर से भी पाकिस्तान को चकमा देने की तैयारी की गई और उसने ऐसा जख्म दिया गया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी आईएनएस राजपूत को भी तबाह नहीं कर पाया, उसके विपरीत गाजी ही तबाह हो गया। पाकिस्तानियों को यह इनपुट था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। भारत को यही पूरी जानकारी हो गई थी कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। पाकिस्तान को चकमा देने के लिए ऐसी तैयारियां भारत ने बहुत जल्द ही की जिसकी उसकी छम भनक भी नहीं लगी। 71 में पूर्वी कमान के चीफ वाईएस एडमिरल एन कृष्ण ने अपनी आत्मकथा का सेलर स्टोरी में लिखा है कि आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम से 160 किलोमीटर की दूरी ले जाया गया और आईएनएस विक्रांत की कॉल साइन का प्रयोग करे विक्रांत के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उससे भारी मात्रा में रसद की मांग करने को कहा गया, जो एक बड़े जहाज के लिए जरूरी होता है। आईएनएस राजपूत को पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत समझ के गलती कर बैठा। गाजी को लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। एक बात यह भी है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत ने गाजी को तबाह कर दिया। ये आईएनएस विक्रांत की ताकत है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।